खेसारी लाल यादव साल 2020 में कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चाओं के विषय में बने हुए हैं और उन्हीं में से एक फिल्म है बापजी। फिलहाल बापजी की शूटिंग खत्म करने के बाद वो सैया अरब गले की शूटिंग के लिए दुबई में पहुंच चुके हैं। दुबई में फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग की जा रही है, लेकिन ऐसे में बापजी फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शूटिंग के दौरान कई सारी तस्वीरें अपने खेसारी लाल यादव और फिल्म की लीड एक्ट्रेस काजल राघवानी की देखी थी, लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां, बताना चाहेंगे बापजी फिल्म की डिजिटल राइट्स बिक चुके हैं और जिस कंपनी ने खरीदा है बापजी फिल्म के डिजिटल राइट्स, उस कंपनी का नाम है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी। यानी आप बापजी फिल्म के गाने और ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन पाएंगे। फिलहाल इस फिल्म से जुड़ी बाकी डिटेल सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस फिल्म का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बापजी फिल्म काफी मायनों में खास होगी क्योंकि इस फिल्म में एक बार फिर से बाप बेटी की कहानी में खेसारी लाल यादव नजर आने वाले हैं, जैसा कि हमने खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष में देखा था। संघर्ष की कहानी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और उसी से लबरेज ये फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म का टाइटल है बापजी। हो सकता है खेसारी लाल यादव इस फिल्म में बाप या फिर बेटे का किरदार दोनों ही निभाते हुए नजर आएंगे। और शूटिंग के दौरान कई सारी तस्वीरें इस फिल्म से जुड़ी लीक हुई थी, जिस तस्वीरों को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंची है। ऐसे में काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है बापजी फिल्म का, और अभी हाल ही में ऐसी खबर आना कहीं ना कहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ाने वाली है। बताना चाहेंगे बापजी फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज होगा तभी फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि बापजी फिल्म के डिजिटल राइट्स वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पास आ चुके हैं और इसी चैनल पर हमें बापजी फिल्म के गाने और ट्रेलर देखने को मिलेंगे।